to build a tree from a single seed, whose leaves reach out to the entire sky. To build a future from a single mind, which reaches out to the entire world. At Indus International University, programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA, MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University. Creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318-797-101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है 7C हिमाचल आजकल में। खबरों का सिलसिला जारी है। ऊना जिले में भाजपा के गढ़ कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में सेंध लगाने के लिए कांग्रेस ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। कुटलैहड़ में पिछले 4 साल में विधानसभा चुनावों में भाजपा का ही कब्जा रहा है, लेकिन इस बार पुनर्सीमांकन में हुए फेरबदल का कुछ लाभ कांग्रेस को मिल सकता है। इस विधानसभा हल्के में जो नए क्षेत्र जुड़े हैं उन्हें कांग्रेस के प्रभाव वाला माना जाता रहा है। यही कारण है जो इस बार कुटलैहड़ में कांग्रेस टिकट के दावेदारों की भरमार हो गई है। ऊना जिले में भाजपा के गढ़ कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में सेंध लगाने के लिए कांग्रेस ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। कुटलैहड़ में पिछले 4 विधानसभा चुनावों में भाजपा का ही कब्जा रहा है, लेकिन इस बार कुर्सी मांगकर ने जमीनी तस्वीर काफी कुछ बदल दी है। कुटलैहड़ में जो नए क्षेत्र जुड़े हैं उन्हें कांग्रेस के प्रभाव वाला माना जाता है। इसी कारण इस बार यहां से कांग्रेस टिकट के दावेदारों की भरमार हो गई है। इनमें से कुछ ने तो हाल ही में ऊना में हुई कांग्रेस की परिवर्तन रैली में शक्ति प्रदर्शन भी किया। कुटलैहड़ से कांग्रेस टिकट के प्रमुख दावेदारों में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष देसराज गौतम, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रामनाथ शर्मा के बेटे विवेक और विगत में भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व विधायक रामदास मलांगर शामिल है। इनके अतिरिक्त कांग्रेस नेता बलदेव कुटलैहड़िया, कर्नल धर्मेंद्र सिंह, रविंद्र फौजी और देसराज मौदगिल भी टिकट के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। टिकट के इन दावेदारों में देसराज गौतम को वीरभद्र समर्थक माना जाता है, तो वहीं विवेक को पार्टी प्रदेशाध्यक्ष गोल सिंह ठाकुर का आशीर्वाद मिलने की उम्मीद है। टिकट के लिए खींचतान ने क्षेत्र में चुनावी माहौल गर्मा दिया है। कुटलैहड़ में भाजपा के वर्तमान विधायक वीरेंद्र कंवर के टिकट को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। पार्टी द्वारा करवाए गए सर्वेक्षण में भी उनका रिकॉर्ड बेहतर पाया गया है। वैसे भाजपा के जुझारू नेता एवं हिमफेड की अध्यक्ष संतोष सैनी भी यहां से टिकट की दावेदारी जता सकती है। इस विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का अच्छा रिकॉर्ड रहा है। यहां पिछले 4 विधानसभा चुनाव भाजपा ने ही जीते हैं, लेकिन इस बार पार्टी को सीट निकालने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पुरसीमांकन में जो नए क्षेत्र कुटलैहड़ में शामिल हुए हैं वो भाजपा का गणित गड़बड़ा सकते हैं। यहां से अभी तक थर्ड फ्रंट हिमाचल लोक मोर्चा की ओर से कोई भी दमदार नाम सामने नहीं आया है। हरपाल सिंह, बगाना, 7C हिमाचल आजकल। भाजपा किसान मोर्चा की जिला स्तरीय बैठक हमीरपुर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष प्यारे लाल शर्मा ने की। इस बैठक में मोर्चा सदस्यों ने केंद्र की किसान विरोधी नीतियों की आलोचना की। मोर्चा नेताओं का कहना था कि केंद्र सरकार ने खादों के दामों में बेतहाशा वृद्धि की है, इससे किसानों के लिए खेती बाड़ी करना काफी महंगा साबित हो रहा है। मोर्चा ने एक ज्ञापन भी जिलाधीश के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा। भाजपा किसान मोर्चा की एक बैठक हमीरपुर में हुई। बैठक में किसानों से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। इस दौरान मोर्चा नेताओं ने केंद्र सरकार पर किसान व जन विरोधी नीतियां लागू करने के आरोप लगाए। उनका कहना था कि केंद्र सरकार ने खादों की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी कर किसानों पर आर्थिक बोझ डालने का काम किया है। ऐसे में छोटे व मध्यम वर्गीय किसान इन खादों को नहीं खरीद पा रहे। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा आए दिन पेट्रोल व डीजल के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है, इससे महंगाई आसमान छू रही है और आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। इस भर में केंद्र सरकार के विरुद्ध जिलाध्यक्षों के माध्यम से, उपायुक्तों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को खाद की कीमतों के संबंध में जो उन्होंने खाद की कीमतों पर जो सब्सिडी थी उसे खत्म किया है,
उस संबंध में ज्ञापन भेजा जा रहा है। सारे प्रदेश में एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा आज कर रहा है और जिला हमीरपुर में भी हमारे जिला के सारे पदाधिकारी जिलाधीश के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को ये ज्ञापन हम सौंपेंगे कि जितनी भी खाद पर कीमतें बढ़ाई गई हैं तुरंत कम की जाए। किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने का भी ऐलान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हमीरपुर, सेवन सी, हिमाचल आजकल। सिरमौर जिलों में नौहराधार क्षेत्र के तहत गांव बघाड़ी में एक जागरूक परिवार ने घर में बुजुर्ग की मृत्यु के बाद शव इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया। किडनी के कैंसर से जूझ रहे 63 वर्षीय बलदेव शर्मा ने अपने परिजनों से आग्रह किया था कि मरणोपरांत उनका शव IGMC को दान किया जाए। शुक्रवार प्रातः बलदेव शर्मा का गांव में निधन हो गया। परिवार के सदस्यों ने तुरंत उनका शव शिमला पहुंचाया और अंग दान एवं चिकित्सा परीक्षण के लिए IGMC को सौंप दिया। प्रदेश में इस तरह शवदान का ये पहला मामला है। सिरमौर जिले में नोहराधार क्षेत्र के तहत गांव बंघाड़ी में जागरूक परिवार ने घर में बुजुर्ग की मृत्यु के बाद शव अंगदान एवं चिकित्सा परीक्षण के लिए IGMC को सौंप दिया। किडनी के कैंसर से जूझ रहे 63 वर्षीय बलदेव वर्मा ने अपने परिवार के सदस्यों से आग्रह किया था कि मरणोपरांत उनका शव IGMC को दान किया जाए। शुक्रवार प्रातः बंघाड़ी गांव में उनका निधन हो गया और उनके परिवार के सदस्यों ने उनके शव को शिमला लाकर IGMC को सौंप दिया। IGMC में एनाटॉमी विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अंजू प्रताप ने बताया कि शव दोपहर 12:30 बजे अस्पताल में पहुंच गया था। मृतक की आंखें ट्रांसप्लांटेशन के लिए सुरक्षित निकाली गई, बाकी शरीर को भी चिकित्सीय परीक्षण के लिए रख लिया गया है। मैं चाहती हूं कि बाकी पब्लिक भी इस चीज को देखे और इस चीज के लिए आगे आए क्योंकि इससे हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको ऑर्गेन ट्रांसप्लांट जैसे हमने इनका ऑर्गेन कॉर्निया की ट्रांसप्लांटेशन के लिए इनका कॉर्निया निकाला है। आई बॉल डोनेशन उन्होंने की है, पूरी बॉडी उन्होंने दी है ताकि जो मेडिकल कॉलेज के लिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। मृतक बलदेव वर्मा के पुत्र कपिल वर्मा और भतीजी डॉक्टर अंजना वर्मा ने बताया कि उनके पिता काफी समय से किडनी के कैंसर से जूझ रहे थे। IGMC में भी उनका काफी समय तक इलाज हुआ, अंतिम समय में उन्हें गांव ले जाया गया था। उन्होंने बताया कि हिमाचल किसान सभा के सक्रिय कार्यकर्ता रहे उनके पिता की अंतिम इच्छा थी कि मरणोपरांत उनका शव IGMC को दान दिया जाए। आज प्रातः उनका निधन होते ही उन्होंने तुरंत IGMC को सूचना दी और शव यहां पहुंचाया। प्रदेश में इस तरह का यह पहला मामला है। ये जो प्रेरणा उनके मन में आई, काफ़ी समय से वो किसान सभा के एक डेडिकेटेड वर्कर थे और आज उनका स्वर्गवास हुआ है, तो मैं तो ज़्यादा तो क्या कहूँ, यही है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। उनकी इच्छा थी कि वो अपनी आंखें और अपनी किडनी दान करना चाहते थे बहुत पहले से, शायद मतलब 10-15 साल से मैं ये सुन रही थी कि मुझे अपनी आंखें और अपनी किडनी दान करनी है। इसलिए उनकी आंखें तो दान हमने अभी आई डोनेशन में उनका वो हो गया है, लेकिन किडनी वो दान नहीं कर पाए क्योंकि उनको किडनी का ही कैंसर था। तो वो जो है वो काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे और उनका जो था वो 4-5 साल से उनको ये इच्छा थी कि मेरे मरने के बाद मैं चाहता हूँ कि जो मेरी बॉडी है, जहाँ से मेरी बेटी ने MBBS की पढ़ाई की है, वहीं उसी कॉलेज में जानी चाहिए और वहाँ के बच्चे मेरे जो है वो डेड बॉडी से भी वो सीख। नीरू शर्मा, शिमला, सेवन सी, हिमाचल आजकल। वीरवार रात राजधानी के अति सुरक्षित माने जाने वाले रिज मैदान पर स्थित क्राइस्ट चर्च में चोरों ने सेंधमारी कर हजारों की नकदी पर हाथ साफ किया। चोरों ने चर्च के पीछे की तरफ से ग्रिल तोड़कर रोशनदान से अंदर प्रवेश किया। चोरों ने अंदर रखे दान पात्रों में हजारों रुपए की नकदी ले उड़ाई। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने चर्च का मुआयना किया है और चोरी से जुड़े तथ्यों को जुटाया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और पुलिस के मुताबिक इस चोरी में ऐसे लोगों का हाथ है जो चर्च की पूरी जानकारी रखते हैं। जो मौके की नजाकत है उसमें जिस जगह से उसने दोषी व्यक्ति ने एंट्रेंस किया है उससे लगता है कि वो उसको वहाँ का पूर्व अनुभव है, क्योंकि जो अननोन आदमी होगा उसने वो वहाँ उस जगह से अटेम्प्ट नहीं कर सकता। 453,511 में केस दिया है, बाकी नकदी के बारे में अभी मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी हमारे पास क्लियर हो नहीं दिया कितना कैश उससे हुआ है। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरे प्रदेश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। जन्माष्टमी पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान लोगों ने मंदिरों में पूजा पाठ किए। शिमला में गंज बाजार स्थित कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। चंबा में जन्माष्टमी पर श्री राधा कृष्ण मंदिर सेवा समिति के सौजन्य से एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। लोगों ने उपवास रखकर भगवान कृष्ण की लीलाओं का श्रवण किया। इस अवसर पर सनातन धर्म सभा द्वारा दूर दूर के प्रांतों से विभिन्न महंतों को प्रवचन के लिए बुलाया गया।
शिमला में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर के मंदिरों को जन्माष्टमी पर्व के लिए फूलों व लाइटों से विशेष तौर पर सजाया गया था। जन्माष्टमी पर गंज बाजार स्थित कृष्ण मंदिर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान एक शोभा यात्रा भी निकाली गयी। उधर चंपा में भी जन्माष्टमी पर श्री राधा कृष्ण मंदिर सेवा समिति के सौजन्य से एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चंपा के मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया था। लोगों ने उपवास रखकर विशेष पूजा भी की। उधर रामपुर के शिंगला में भी जन्माष्टमी पर विशेष तौर पर वैदिक मंत्रों का पाठ किया गया। यहाँ जन्माष्टमी पर देव मिलन और देव नृत्य मुख्य आकर्षण रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल। खबरों के इस सफर को यहां पर रोकते हुए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ी गीत की एक झलक। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही और अब जाते जाते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। कांग्रेस हाईकमान का प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह को झटका। जिला व ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों में अनेक पदों पर नियुक्त किए गए उनके समर्थकों को किया निरस्त। भाजपा महामंत्री राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सभी वर्गों का रखा ध्यान। कर्मचारियों को दिए करोड़ों के वित्तीय लाभ। सिरमौर जिले में 3 फर्जी शिक्षक काबू। अपराध शाखा को मिली थी वर्ष 2011 में शिकायतें, तो वही आंगनबाड़ी वर्करों का फूटा प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश। सरकार को दिया अल्टीमेटम। आईजीएमसी शिमला में पहली बार हुआ शवदान, तो वहीं दूसरी तरफ शिमला में चर्च में लगाई चोरों ने सेंध। प्रदेश में कृष्ण जन्माष्टमी की रही धूम। जगह जगह निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हर रोज देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। और फिलहाल मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु ठाकुर वाटिका खलीनी शिमला 2 फोन नंबर 0981690120 01772629411। हमारा ईमेल आईडी है हिमाचल आजकल @gmail.com।